सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके प्रतिमा के समक्ष अपना दल बलिहारी पटेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मराज पटेल के उपस्थित में सभी पदाधिकारियों व जनता को दिलाया गया संकल्प। आपको बताते चलें कि गोंडा के पूर्वी छोर पर कुकनगर पटेल नगर चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित है। आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर अपना दल बलिहारी पटेल के राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारी पहुंचकर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक जनसभा किए, अंत में उपस्थित सभी लोगों को संकल्प दिलाया। का स्वप्न कुछ था, उस स्वप्न को साकार करने के लिए हम लोग आपको कुछ कहने आए। तो साथियों, हम भी इसी गोंडा जिले के हैं, आपके पड़ोस के हैं, लेकिन हम भी गोंडा जिले को देखते भी आए। हमें इतना ही कहना है, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि तमाम प्रयास हो रहा था कि यहीं के लोग जिनकी फोटो लगाए हैं उनकी बात न सुनने पाए, समझ उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए इस देश की जंगे आजादी की लड़ाई में संघर्ष करने वाले सभी महापुरुषों के प्रति नमन वंदन करते हुए इस देश के तमाम उन संत गुरुओं महात्माओं जिन्होंने सामाजिक एवं राजनैतिक बदलाव के लिए संघर्ष किया है उनका नमन वंदन करते हुए छत्रपति साहू जी महाराज का भी परिनिर्वाण हुआ था, जहां सरदार पटेल हमें राजनैतिक आजादी, राजनैतिक ताकत, सामंती जकड़न से फुर्सत दिए हैं, वहीं छत्रपति साहू जी ने भागीदारी आंदोलन को इतना जबरदस्त बढ़ाया कि आज भी वो आरक्षण के रूप में भारत में लागू। यह विचारधारा छत्रपति साहू जी की थी और हमारे नौजवान, हमारे पढ़े लिखे लोग इतिहास को नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, समाज को नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। अंग्रेजी की एक लाइन है, माइंड मोल्ड हिस्ट्री, माइंड मोल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री मोल्ड माइंड। आदमी इतिहास को बदलता है और इतिहास आदमी को बदल देता है, इसको मैं हिंदी में कह रहा हूं। यही बात दूसरे तरीके से घुमा के डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की फिच है जो ओपन एवरी डोर ऑफ डेवलपमेंट। राजनैतिक ताकत वो ताकत है जिससे विकास के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 72वें परिनिर्वाण दिवस समारोह के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव पूजन पटेल जी, आपके बीच में अपनी बात रखूं। इससे पहले पूरी दुनिया को ज्ञान, विज्ञान और इंसान की परिभाषा देने वाले माता महामाया के आंचल के सम्मान तथागत गौतम बुद्ध, पूरी दुनिया को गुरिल्ला युद्ध की शिक्षा देने वाले माता जीजाबाई के आंचल के सम्मान छत्रपति शिवाजी को, पूरी दुनिया को आरक्षण की परिभाषा देने वाले कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज को और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, समानता समता की बात करने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश और जो भारत हम खेती किसानी से जुड़े हुए साथी हैं, जैसे हम अपने खेत की मेड़बंदी करके अपने खेत को ये कहते हैं कि खेत हमारा है, भारत की सरहद को कायम करने वाले, भारत की मेड़बंदी करने वाले किसानों के महान नेता, भारत के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष, भारत रत्न
सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे बीच में उपस्थित दल के संस्थापक आदरणीय एमपी बनाने का काम किया था, और अगर किया था तो अगर सच्चाई है तो किसी पार्टी ने, मैं किसी पार्टी के महापुरुष पर कटाक्ष नहीं करना चाहता क्योंकि सब समाज के लोग इसमें बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अपना आदर्श पुरुष घोषित किया, कांग्रेस ने महात्मा गांधी को अपना आदर्श पुरुष घोषित किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को समाजवादी पार्टी ने अपना नेता आदर्श घोषित किया, और बहन मायावती ने डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श पुरुष घोषित किया, लेकिन किसी ने सरदार पटेल को अपना आदर्श पुरुष नहीं घोषित किया। अगर आदर्श पुरुष घोषित किया तो 4 नवंबर 1995 को इंजीनियर बलिहारी पटेल ने लखनऊ की सरजमी पर आपको बुला करके ललकारते हुए नौजवानों आपको एक संदेश दे करके आपके हाथ में केसरिया नीला झंडा पकड़ा करके और उस दिन दल का नाम अपना दल दिया, दल का आदर्श पुरुष सरदार पटेल को घोषित किया, दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोनीलाल पटेल को उन्होंने बनाने का काम किया। लेकिन वह हम नहीं जानते थे कि कमेरा समाज के साथ में साथियों एक और बड़ा धोखा होने जा रहा है। हम लोग भी आंख मूंद करके चलते रहे, और मुझे बड़ा ताजुब है कि 19 नवंबर 2000 को बलिहारी बाबूजी जाते हैं वहां सभा संबोधित करने, और रात में एक जगह एक पटेल परिवार में इनको रोका जाता है और बाबूजी को वहीं, ये कहना नहीं चाहिए। अभी हम अजगरा विधानसभा में एक गांव है, उस गांव का नाम है मूल चूल परिवर्तन हम लोग करना चाह रहे हैं। आज यहां संगठन के स्वरूप में एक नए साथी को जिम्मेदारी दी जा रही है। अब तक हमारे पुराने साथी भाई अनिल जी जो यहां जिला अध्यक्ष के रूप में रहे, इस समय दिल्ली हैं, उनको हम लोग अब मंडल में ले चलेंगे, और जब वो आएंगे तो उनको खड़े हो जाइए। आज दिनांक 15 दिसंबर 2022 को अपना दल बलिहारी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गण, लौह पुरुष एवं भारत रत्न प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के 72वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक धरती कूक नगर ग्रंथ खोड़ारे गोंडा की धरती को नमन करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि हम लोग भारत वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त संप्रदाय मुक्त भय मुक्त अपराध मुक्त यौन वर्ग मुक्त समाज के निर्माण के साथ साथ गरीबों मजदूरों किसानों तथा बुनकरों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संविधान सम्मत रास्ते पर चलकर प्रेम सौहार्द व भाईचारा के भाव से कार्य करते हुए राजनैतिक सामाजिक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के साथ साथ देश के सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाने का संकल्प लेते हैं।